हाँ, जो जिसने भी आंसर भेजा था आंसर दोबारा भेज देना, उसमें शायद मैं देख ही नहीं पाया था आंसर। जिसने भी आंसर वगैरह भेज दिया था वो आप आंसर दोबारा भेज देना, मैं चेक कर लूँगा। चलो, काफ़ी लोग आ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। 43 वोल्ट, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, हाँ, तो वी ए माइनस वापस 1 × 5 माइनस वापस 10 माइनस तुम्हारे पास 2 × 5। अब वो तुम्हारे पास जाना है क्या, ओ से बी। जब आप ए से ओ जाओगे तो आप 5 एम्पियर करंट लेना, ध्यान रखना। लेकिन जब आप तुम्हारे पास ओ से बी जाना तो करंट कितना लेना, 7 एम्पियर लेना। ये नहीं कि 5 एम्पियर ही लेते चले गए, ठीक, गड़बड़ हो जाएगा। तो -1 × 5 माइनस ऑफ द 10 माइनस ऑफ द 2 × 5। हाँ, अब कितना, अब -7 × 2, 7 एम्पियर करंट और 2 ओम वो, और ये कितना माइनस तुम्हारे पास 4 = तुम्हारे पास वी बी। हमने कहा ठीक है भाई, वी ए -5 -10 -10 -14 और माइनस तुम्हारे पास 14 और माइनस तुम्हारे पास 7 × 2 जाता तुम्हारे पास 6 और ये तुम्हारे पास 4 वोल्ट ये तुम्हारे पास आ गया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालते हैं जरा कितना वैल्यू आ रहा है। तो उसने कहा कि ये तुम्हारे पास वी बी है, तो वी ए माइनस 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 4 तुम्हारे पास 29, 29 और 10 39, 39 और 43। तो वी ए माइनस तुम्हारे पास, वी ए माइनस तुम्हारे पास 43 = तुम्हारे पास वी बी, और वी ए माइनस तुम्हारे पास वी बी इजिक्वल्स टू 43 वोल्ट। ये आ गया तुम्हारे पास आंसर। कई लोग के आंसर आए हैं मेरे पास 43 वोल्ट, जिसका आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। ठीक है, 43 वोल्ट जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। ठीक, अच्छा, अब वी ए माइनस वी सी का आंसर बताओ भाई फटाफट। अब मुझे वी ए माइनस वी सी का आंसर बताओ। तो उसने कहा ठीक है, फॉर तुम्हारे पास ए टू तुम्हारे पास सी, ठीक है, और ए टू सी ले ले रहे हैं। हमने कहा ठीक है चलो, अब ए टू सी की तरफ भागो, ए से भागो, ए माइनस 5 × तुम्हारे पास 1। चेक करता हूँ मैं अभी आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, माइनस तुम्हारे पास कितना 10 माइनस तुम्हारे पास 2 × 5, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास 2 × 2, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास 10 = VC। तो वी ए माइनस 5 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 10, ठीक, और ये आ गया वी सी। तो वी ए माइनस 10 10 10 30 30 5 35 35 और तुम्हारे पास प्लस 4 = VC। तो वी ए माइनस 31 = VC। तो वी ए माइनस वी सी की वैल्यू आई तुम्हारे पास कितनी, प्लस 31। तो भैया जितने लोग आंसर प्लस 31 आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, और जितने लोग आंसर प्लस 31 नहीं आए हैं उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। आई बात समझ में सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर है सर? मतलब फॉर ए टू सी वाला, मतलब ये सेकंड वाला फिर से बता दीजिए एक मैं बार। फिर से बता देता हूँ, देखो, ए से सी वाले के जब दौर पे चले तो हम ऐसे गए होंगे ए से सी वाले पे, ठीक है, जब हम ए से सी वाले पे गए होंगे तो पहले हमने ए को लिया वी ए, फिर हमने लिया 5 × 1, ठीक है, और हमारे लिए एग्जिट क्या है, एग्जिट ये है, ठीक, हमने माइनस ले लिया, ठीक, हमारे लिए एग्जिट क्या है इनका, ये है, हमने माइनस ले लिया, हमारे लिए एग्जिट क्या है, ये है, हमने माइनस ले लिया, हमारे लिए एग्जिट क्या है, ये है, हमने प्लस ले लिया, हमारे लिए एग्जिट क्या है, ये है, हमने माइनस ले लिया, और इस तरीके से आंसर। सभी लोगों को क्लियर हुआ भैया? ब्रांच अगर नहीं क्लियर हुई, मैं पहले बता रहा हूँ, किरचॉफ नहीं आएगा। ब्रांच क्लियर होना बहुत जरूरी है, कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर दीजिए, ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास किसी भी कीमत पे, ठीक। अब आप जब एससी वर्मा बुक कुछ बच्चे पढ़ेंगे एससी वर्मा बुक आने वाले समय में, या अभी भी पढ़ रहे होंगे, उनको पता है क्या पता लगेगा, उनको पता लगेगा कि मैंने उल्टा बता दिया। एक्चुअल में उल्टा नहीं बता दिया, हर टीचर हर बुक अपने हिसाब से कन्वेंशन बताता है। उसमें क्या कर रखा है, एससी वर्मा की पूरी बुक एंट्री लेकर के सॉल्व की गई है ना, और जो स्टैंडर्ड सारी बुक है वो सारी एग्जिट लेकर के सॉल्व की गई है। तो सर कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है। अगर आप एससी वर्मा की बात मान लो तो पूरी एंट्री बात मान लो, अगर आप तुम्हारे पास स्टैंडर्ड अलग जो डीसी पांडे सिंगेज लोग की बुक मान लो, इनकी बात मान लो, तो पूरा एग्जिट मान लो। तो किसको माने, जिसको मन चाहे उसको मान लो, लेकिन एक चीज मान लो, या तो पूरा एग्जिट मान लो। सर ये वाला एंट्री से करके दिखाइए, ये वाला अगर एंट्री से करके दिखाएंगे तो देखो ऐसे होगा तुम्हारे पास, ये वाला फ्रॉम तुम्हारे पास एंट्री पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम तुम्हारे पास एंट्री, अगर हम एंट्री लेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ बस बस बस, सारे साइन चेंज हो जाएंगे,
सारे के सारे तुम्हारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, तो जहां तुम्हारे पास माइनस 31 है वहां पर तुम्हारे पास प्लस 31 लिखा होगा, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से ए और सी का भी तुम्हारे पास नोटेशन एस सी वर्मा चेंज करेगा, जब ए और सी का नोटेशन चेंज करेगा तो वो भी तुम्हारे पास अपोजिट ले लेगा, अपने आप आंसर तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप एंट्री से कर लीजिए, चाहे आप एग्जिट से कर लीजिए, अब एंट्री वाला आप यहाँ मत अप्लाई करिएगा, क्यों? क्योंकि एंट्री वाला यहाँ पे इसलिए नहीं अप्लाई करिएगा क्योंकि मैंने सारी जो कंडीशन आपको बताई हैं सारी एग्जिट के लिए बताई हैं, तो सब एग्जिट कंडीशन को आप लगा करके अपना आंसर यहाँ पे निकाल, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलो अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। अब कुछ टीचर्स का एग्जैक्टली ये कहना होता है या कुछ बुक्स एग्जैक्टली ये कहना होता है, मैं ज़्यादा बेहतर रहेगा बुक्स बोलूँ, कि जो तुम्हारे पास ये सेल होता है इसके राइट में ही इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ। हम कहते हैं कि अगर लेफ्ट में लगा दिया तो क्या चला जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि बुक्स में वो राइट में लिखा होता है, तो कई सारे लोगों को ये लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि हमेशा राइट में लिखना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा कभी होता नहीं। ऐसा कैसे कह रहे हो आप? इसने कहा कि देखो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, ये ए और बी है, ठीक है, ये ए और बी है। इसने कहा ठीक है, ये आई की वैल्यू लेट सपोज 2 एम्पियर ले लो, ठीक है, आई की वैल्यू लेट सपोज तुम्हारे पास 2 एम्पियर ले लो, ठीक। ये तुम्हारे पास सेल है, इसने कहा हाँ इसको ले लो 10 वोल्ट, इसको ले लो कितना 10 वोल्ट, ठीक। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारे पास जो है 2 ओम है, इसने कहा इसको भी ले लो 2 ओम, इसको 2 ओम ले लो। अब तुम्हारे पास एक काम करो, अब तुम VM and VB निकालो, अगर अलग आया ठीक है, अगर अलग आया तो सोचने की बात हो जाएगी, अगर सेम आया तो सोचने की बात नहीं होगी, ये प्रूव हो जाएगा। चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस को लेफ्ट में रखो चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस को राइट में रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। चलो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, तुम्हारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब तुमको देख के पता लग गया होगा कि अलग नहीं आने वाला यार, वी ए माइनस तुम्हारे पास 10 माइनस 2 × 2 इज इक्वल्स VB, ठीक। सो वी ए माइनस VB इज इक्वल्स टू कितना 14 वोल्ट, ठीक। यहाँ देखो VA माइनस 2 × 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू VB, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू कितना इज इक्वल्स टू 14 वोल्ट। इसका मतलब ये है द लोकेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इधर राइट टू द सेल और टू द लेफ्ट ऑफ द सेल डजंट मैटर, मैटर नहीं करती है, लेकिन बुक्स क्या रिफर करती हैं? बुक्स ये रिफर करती हैं कि सेल के राइट साइड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बुक रिफर कर रही, लिखने दो। टीचर ने बोला लिख ले, ना बोले लेफ्ट में लिखने काम खत्म, कोई तुमसे कुछ कहने वाला नहीं, ठीक है। चलो तो ये तो तुम्हारे पास हुआ, मैंने तो आपको पहले ब्रांच पढ़ानी थी, मैंने ब्रांच पढ़ा दी, अब मैं आपको लेकर के आता हूँ डायरेक्ट सर्किट पे, ठीक है। ब्रांच जो बतानी थी मैं सारे समझा दिया, सब बता दिया मैंने, CD क्या होता है, ED क्या होता है, इधर से जाएंगे तो क्या होगा, इधर से जाएंगे तो क्या होगा, कौन सा करंट कहाँ से लेना है, सब सिखा दिया, ठीक। चलो अब बात करते हैं तुम्हारे सर्किट, ठीक है। सर्किट को ध्यान से देखना, ठीक है, 2-3 सर्किट लगेंगे मुझे पूरी बातें समझाने के लिए, एक सर्किट में सारी बातें नहीं समझा सकते, ठीक है, समझना जरा। तो इसने कहा कि लूप कैलकुलेशन तुम्हारे पास मैश कैलकुलेशन क्या है भैया? लूप कैलकुलेशन सिनोनिम है, ये पर्यायवाची है, बस ये मैंने 2 बार नाम लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो वॉइस बीच में चली जाती है, एक बार रिकनेक्ट करके देख लो बेटा, हो सकता है नेट का इशू है, आज कल भी परसों भी रहा था, आज भी हो सकता है, वो जितने लोगों को भी थोड़ा सा वॉइस का हो रहा है एक बार रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है, आ जाएगा, सही आ जाएगा। चल सो लेट अस हैव द सर्किट हियर, एक सर्किट लेते हैं, ठीक है, और इस सर्किट के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं जरा सर्किट एग्जैक्टली क्या दे रखा है, और इसमें हम कुछ आपको नियम बताएंगे, वो नियम आपको बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो एक यहाँ से हटा देते हैं, एक यहाँ हटा देते हैं, एक यहाँ से हटा देते हैं और एक यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। इसने कहा ठीक है पूरा हो गया। इसने क्या बोला? इसने कहा तुम्हारे पास ये 1 ओम और ये तुम्हारे पास 1, तुम्हारे पास नहीं, ये तुम्हारे 20 वोल्ट, ये तुम्हारे पास 20 वोल्ट, ठीक। इसने क्या बोला? ये वाला कौन सा? ये वाला तुम्हारे पास ऐसे और ये तुम्हारे पास रजिस्टर, ठीक। ये कितना? ये तुम्हारे पास 15 वोल्ट और ये तुम्हारे पास कितना? ये तुम्हारे पास 2 ओम, ठीक। इसने कहा ठीक है, ये वाला तुम्हारे पास कैसे? ये वाला ऐसे और ये कितना? ये 30 वोल्ट और ये तुम्हारे पास कितना? ये तुम्हारे पास 3 ओम, ठीक। इसने कहा ये वाला कैसे? ये वाला तुम्हारे पास ऐसे, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 10 वोल्ट और ये तुम्हारे पास जो है एक कितना? 4 ओम, ठीक है। ये बिल्कुल ये कैसे बनाया आपने? ये मैंने नहीं बनाया, ये सवाल दिया है, ठीक है, मैंने थोड़ा बनाया, ये कोई पर्टिकुलर दे रखा है, ठीक है। इसने कहा है कि फाइंड
फाइंड करंट आई, ठीक है, यूजिंग केवीएल। अब ये इसने लिख दिया। पहली बात तो देखो, दो चीजें हैं, एक तो केवीएल है, एक तो केसीएल है। आपके पेपर में केवीएल ही आएगा, केसीएल आएगा ही नहीं, तो फिर पढ़ा क्या है रहे हो, पढ़ाए कहाँ है अभी तक? अभी तो केवीएल ही पढ़ा रहे हैं, केसीएल में तो पहुंचे नहीं है, तो नाम ही बताया बस मैंने। केसीएल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता ही नहीं है, ठीक है, वो केवीएल के अंदर ही कहीं यूज हो जाता है। लेकिन केवीएल की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, वो किसी भी सर्किट को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। वो मैं आपको सिखा दूंगा, वो बच्चों के लिए ऑप्शनल होगा, सीखना है तो सीख लेना, ना सीखना तो मत सीखना, कोई दिक्कत नहीं, केवीएल सीख लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, अब बात करते हैं पहले केवीएल की, भूल जाओ केसीएल वेसीएल को, अभी बात करते हैं केवीएल की, केवीएल की बात करते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि करंट कहाँ है, करंट कहाँ है, करंट निकालना है, हाँ निकालना तो है, कहाँ है करंट, पता नहीं कहाँ है करंट, अब क्या करोगे, अब तो निकाल ही नहीं पाओगे, इसने कहा कैसे नहीं निकाल पाएंगे, हम मान लेते हैं ना सर्किट में करंट होगा, इसने कहा हाँ करंट को हम अपने हिसाब से दिशा मान लेते हैं, इसने कहा ठीक है चलो। सबसे पहले तो तुम्हारे पास हमने कहा कि वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ तुम्हारे पास क्या करंट, ठीक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हम करंट की दिशा को तय कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इफ नॉट टोल्ड बाय सवाल, ठीक, इफ नॉट टोल्ड बाय क्वेश्चन, हम करंट की दिशा को अपने हिसाब से उसका निर्णय लेंगे, ठीक, अगर सवाल के द्वारा नहीं बताया गया। पहला नियम ये कहता है, इसने कहा ठीक है, वी कैन टेक ईडी, हैं ईडी बोले तो इक्वेशन डायरेक्शन, वी कैन टेक ईडी, ठीक है, ईडी बोले तो इक्वेशन डायरेक्शन, ठीक है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऑन आर ओन अपने आप ले लेंगे, ठीक है। और ये वैसे भी हमको कभी कोई नहीं बताएगा, हमें कभी कोई नहीं बताएगा कि इक्वेशन को ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, और सिंपल सी बात है, ऊपर भी हमें कौन बता रहा था, कोई नहीं बता रहा था, हमारी जो मर्जी हम लेफ्ट से राइट लें, राइट से लेफ्ट लें, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पे भी इसने यही बात बोल दी, ठीक है। इसने कहा तीसरी बात ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ लूप्स ठीक है, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन करेंट्स। क्या बोला इसने, इसने बोला कि नंबर ऑफ तुम्हारे पास लूप जो भी लोगे, ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, तुम सर्किट बनाने जा रहे हो, सर्किट के अंदर क्या होंगे, लूप होंगे सारे, और क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने जब पढ़ाई शुरुआत करी थी तो मैंने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ठीक, कि डायग्राम में मैंने क्या बताया था, एक बड़ा लूप है ए बी सी डी ए, एक छोटा लूप है ए बी डी ए, एक और छोटा लूप है बी सी डी बी, है ना, ये मैं लूप बता रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने आप बताया कि ये हमें जो सवाल मिला है, हमें नंबर ऑफ लूप उतने ही रखने हैं जितने नंबर ऑफ अननोन करंट होंगे। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौथी बात, इसने कहा कि फॉर राइटिंग द इक्वेशन इक्वेशन लिखने के लिए ठीक है, वी कैन चूज स्टार्टिंग पॉइंट ऑन आर ओन। सब कुछ हम ही को अपने आप करना है, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, सब हम ही कर लेंगे, हम ही निकाल लेंगे, बस ये केवीएल नाम दे दिया, लेकिन करना हमको सब कुछ अपने आप ही है। इसने कहा हाँ करना तो है भाई, क्या करते हैं, ठीक चलो। तो फॉर राइटिंग द इक्वेशन वी कैन चूज स्टार्टिंग पॉइंट ऑन आर ओन। चलो अब मैं सवाल को आपको एक चीज स्टेप से पहले करके दिखाता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, फिर जो और सवाल आएंगे फिर अपना उसमें दिमाग लगाइएगा, ठीक है, इसमें दिमाग मत लगाइएगा, इसमें से ध्यान से देखिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे नहीं पता इसमें करंट कहाँ है, मतलब ए से बी से सी से डी से ए है, या ए से डी से सी से बी से तुम्हारे पास ए है, मुझे पता है। हमने कहा नहीं पता, इसने कहा नहीं पता, इसने कहा लेट आई बी इन तुम्हारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, लेट आई बी इन तुम्हारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई तुम्हारे पास जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमने आई को क्लॉकवाइज माना, तो ये रहा मेरा आई, ये रहा मेरा आई, ये रहा मेरा आई, ये रहा मेरा आई, ये वो आई है जो कि इस पर्टिकुलर सर्किट में है, और मैंने इसे अपनी मर्जी से क्लॉकवाइज माना है, मुझे किसी ने कहा नहीं, पहली बात।
ठीक, इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि ये तो हो गई करंट की दिशा, ये हो गई क्या करंट की दिशा। अब करंट की दिशा हो गई तो यार करंट की दिशा ने तो एक अपने पास पावर रखी है कि वही रजिस्टर पे पोलैरिटी तय करेगी और कोई रजिस्टर पे पोलैरिटी तय नहीं करेगा। उसने कहा हाँ सर बात तो सही है, तो इनको पॉजिटिव नेगेटिव, इनको पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं और इनको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट ए बी सी डी ए जाए या ए डी सी बी ए जाए इन्हें क्या फर्क पड़ता है, बात तो सही है। ये पॉजिटिव हुए, ये नेगेटिव हुए, ये नेगेटिव हुए, ये पॉजिटिव हुए, ये पॉजिटिव हुए, ये नेगेटिव हुए, ये पॉजिटिव हुए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हुए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सही है ना भैया। करंट तय करेगा ना, करंट ने तय कर लिया, आपको इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। करंट ने तय कर लिया, करंट ने तय करना तय कर लिया, ठीक है करंट ने तय कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग द इक्वेशन, इक्वेशन को लिखना है। उसने कहा हाँ, अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या लूँ। उसने कहा कि नहीं समझ आ रहा, ये ले लो काम खत्म, ऐसे ले लो क्लॉकवाइज ले लो। तो हमने कहा लेट तुम्हारे पास ई डी बी तुम्हारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज ही क्यों लिया आपने, क्योंकि आपने आई क्लॉकवाइज लिया इसलिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी मर्जी थी इसलिए मैंने क्लॉकवाइज लिया। मैं कोई मुझसे कहता है एंटी क्लॉकवाइज ले लो, मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का, ई डी को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ई डी को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसने कहा ठीक है फिर दोनों बना के दिखाओ, दोनों बना के दिखा देंगे हमें कोई इशू नहीं है, तो पहले तो आपको पहले क्लॉकवाइज बना के दिखा दें। ठीक, अब बना तो दें भाई कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से बनाएं। उसने कहा नहीं पता कहाँ से बनाओ। उसने कहा लेट स्टार्टिंग पॉइंट, उसने कहा लेट तुम्हारे पास स्टार्टिंग पॉइंट बी तुम्हारे पास ए, स्टार्टिंग पॉइंट को ए मान लेते हैं। उसने कहा ठीक है, इसका मतलब करंट मैंने तय किया है क्लॉकवाइज में है, ई डी मैंने तय करी है क्लॉकवाइज में बनाऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने तय करा है ए, इन्होंने कुछ नहीं करा। ठीक, इन्होंने सिर्फ इतना बताया है, इन्होंने बताया है ओनली वन अननोन करंट, सिर्फ एक ही तो अननोन करंट है। इसने कहा हाँ एक ही तो अननोन करंट है आई, इसने कहा हाँ, तो इसने कहा कि नंबर ऑफ लूप इज इक्वल्स टू वन ओनली, एक ही लूप होगा। उसने कहा वो तो हो गई, एक ही तो डब्बा है, दूसरा तो डब्बा भी नहीं है, अभी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बहुत सारे डब्बे लेकर के आएंगे, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं एक डब्बे से। ठीक है, तो एक डब्बा है, तो ये चार बातें हमने आपको बता दी, करंट की दिशा हम तय कर लेंगे, ईडी की दिशा हम तय कर लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हम तय कर लेंगे, जितने करंट अननोन होंगे उतने ही लूप होंगे, ये चार बातें फिक्स होनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात आगे बढ़ाते हैं। चलो अब मेरे को लिखनी है ईडी, ठीक, मैं ईडी लिखने जा रहा हूँ तुम्हारे पास। अच्छा लूप, मैं लूप का नाम लिखूंगा पहले। जब भी आप ईडी लिखेंगे इस बात का ध्यान रखें, ईडी जैसे आपने क्लॉकवाइज में लिखी है ना, अब क्लॉकवाइज का मतलब है ए से बी से सी से डी से ए। जब भी लूप लिखते हैं तो स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस दोनों सेम होता है। जब भी साइकिल होती है, अब सिंपल जाते घूमने जाओगे दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता लखनऊ, वापस आओगे कि नहीं आओगे, या वहीं रह जाओगे, वापस आओगे ना, तो भाई ए से बी से सी से डी से ए वापस लिखना, तो कैसे लिखोगे, ए बी सी डी ए। ठीक है, ए बी सी डी ए लूप लिख लिया, एड्रेस लिख लिया। अब इक्वेशन लिखते हैं, चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसने कहा हाँ, तो हमने लिखा वी ए। ठीक, चलो भैया एग्जिट, ये है एग्जिट मेरा। इसने कहा हाँ, क्या लिखा मैंने, -20 लिखा। ठीक, फिर मेरा ये एग्जिट है। ठीक, आई की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, इसने कहा नहीं आई तो नहीं आपके पास, तो आई इंटू वन लिखेंगे, लेकिन किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, आई इंटू वन लिखा। ठीक, फिर आगे बढ़े, एग्जिट कहाँ है, ये रहा सर एग्जिट, ये रहा एग्जिट, है ना, घूम करके आ रहे हो ना, क्लॉक वाइज आ रहे हो, एग्जिट ये रहा पॉजिटिव वाला रहा, तो क्या लिखा हमने, लिखा +15। ठीक, फिर एग्जिट क्या लिखेंगे, ये वाला नेगेटिव वाला, तो क्या लिखेंगे, -2 इंटू तुम्हारे पास आई। फिर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ये वाला, ये कितना है, तो बस माइनस तुम्हारे पास 30। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये वाला माइनस तुम्हारे पास कितना, 3 इंटू आई। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये वाला पॉजिटिव, हमने क्या लिखा, प्लस तुम्हारे पास 10। फिर हमने क्या लिखा, ये वाला, फिर हमने क्या लिखा, माइनस तुम्हारे पास कितना, 4 इंटू आई, इजिकल्स टू, कहाँ पहुँच गए, फिर से वहीं पहुँच गए, वो तो पहुँच नहीं था, तो हमने कहा ठीक है, हमने क्या लिख दिया, बी ए। मेरी बात समझ आई, मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने ईडी लिखी है बस, अभी तक मैंने अभी इक्वेशन लिखी है, ईडी की मदद से मैंने इक्वेशन लिखी है। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, अब अगर आपने ईडी लिख ली है, अब आप सॉल्व करना चाहेंगे। इसने कहा हाँ, तो वी ए, ठीक, -20 और +15 मतलब -5, -35 +10 -25, ठीक, -1 -2 -3 -6 -10,
माइनस दस आई इज इक्वल टू वी ए। अब यार वी ए वी ए काट दो ना, क्या करोगे इसको लेकर के, बात तो सही है। माइनस टेन आई इज इक्वल टू पच्चीस, आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पच्चीस अपॉन तुम्हारे पास दस इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट फाइव एम्पियर करेंट। आई बस समझे, ये मेरा आ गया। अब एक पांचवा रूल, ठीक है, अब एक पांचवा रूल और सबसे बिगेस्ट रूल, ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं बट ये लगिन है, देखा जाए तो इम्पोर्टेंस है इसकी। इसने कहा इफ वी चूज एवरीथिंग ठीक है, ऑन आर ओन, सब कुछ हमने अपने आप ही तो चूज कर रहा है, इसने क्या बताया था, कुछ नहीं बताया। इफ वी चूज एवरीथिंग ऑन अवर ओन, ठीक है, एंड गेट द वैल्यू ऑफ करेंट एंड गेट द वैल्यू ऑफ आई तुम्हारे पास लेस देन जीरो, ठीक है, वी विल से दैट ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करेंट ठीक है, is reverse of direction taken for calculation। क्या बोला इसने, इसने क्या बोला, इसने कहा कि अगर हम, अब हमको पहले से तो पता नहीं होगा, हमको पहले से तो पता नहीं होगा कि आंसर पॉजिटिव आने वाला नेगेटिव आने वाला है, हमने बड़े धड़ल्ले से अपना काम कर दिया, या हमने काम कर दिया तो हमको पता लगेगा भाई नेगेटिव आ गया, इसने कहा तो गड़बड़ हो गया, नहीं गड़बड़ कुछ भी नहीं हुआ। हमने दिखा है कि इफ वी चूज एवरीथिंग ऑन अवर ओन, अगर हम सब कुछ अपने हिसाब से लेते हैं और अगर हम वैल्यू आई की लेस देन जीरो पा गए, मतलब नेगेटिव वैल्यू पा गए, तो हम ये कहेंगे कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी वो रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन जो ली गई है, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन कैलकुलेशन के लिए ली गई है उसके उल्टी होगी। तो हम कहेंगे ओरिजिनली ठीक है, आई विल फ्लो फ्रॉम तुम्हारे पास ए से डी से सी से बी से ए, दैट मीन्स तुम्हारे पास ए से तुम्हारे पास बी से सी से तुम्हारे पास बी से तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी, ना कि तुम्हारे पास जो डायरेक्शन का करंट हमने ली है वो। मेरी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई कि मैंने क्या बताया, मैंने आपको पांच स्टेप बताए, उस पांच स्टेप पे मैंने आपको बताया करंट अपने हिसाब से चूज कर लो, ईडी अपने हिसाब से चूज कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट अपने हिसाब से चूज कर लो, नंबर ऑफ लूप उतने ही लेने जितने अननोन नंबर ऑफ करंट हो, ठीक। जब तुमने निकाला तुमको कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, इसने कहा हाँ कुछ नहीं पता था, तो हमने यहाँ पे जब निकाला तो हमने कहा ए बी सी डी ए, वो हमने जब लूप ईडी की डायरेक्शन ली तो मेरा आंसर नेगेटिव आ गया, आंसर नेगेटिव आ गया तो मेरे को क्या पता लगा कि आंसर नेगेटिव आने पर मैंने कहा कि ए बी सी डी ए डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ए डी सी बी ए डायरेक्शन होगी, मतलब जो डायरेक्शन हमने करंट की ली है उसकी उल्टी होगी। इसने कहा ठीक है चलो, अब जरा मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ पे। इसने कहा क्या, इसने कहा कि जैसा कि हमने यहाँ पे ईडी क्या दिया था, हमने क्लॉकवाइज दिया था, अब मैं ईडी को एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ तुम्हारे पास क्या। अब कोई कहेगा कि आप पोलैरिटी क्यों नहीं डिलीट कर रहे हो, पोलैरिटी क्यों डिलीट करेंगे भाई, करंट ने पोलैरिटी तय कर दी, पोलैरिटी इज डिसाइडेड बाय द करंट, अनलेस एंड अंटिल आई डू नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट माय पोलैरिटी विल नॉट चेंज, मेरी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं तुम्हारे पास ये डायरेक्शन लेता, और स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ए होता, तो इसने कहा ठीक है, अब मैंने तुम्हारे पास क्या ले लिया, लूप, अब मैं लूप का एड्रेस क्या लिखूंगा, ठीक है, लूप का हमेशा जब भी एड्रेस लिखना, ठीक है, लूप का हमेशा जब भी एड्रेस लिखना, तो तुम ना कंफ्यूज हो जाओ इसलिए बता रहा हूँ, लूप का एड्रेस वही लिखना जो तुम बस करंट इक्वेशन डायरेक्शन ले रहे हो, जो भी इक्वेशन डायरेक्शन ले रहे हो वो तुम लूप का एड्रेस लिखना, करंट डायरेक्शन को लूप का एड्रेस मत लिखना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि मैं इस बार एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो मैंने क्या लिखा, तुम्हारे पास ए, तुम्हारे पास डी सी बी ए, ये मैंने लूप का डायरेक्शन लिखा, ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लूंगा, ए को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है सर ए को फिक्स कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ए को फिक्स कर लिया, मैंने यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास वी ए, ठीक। चलो अब सबसे पहले क्या है, ये एग्जिट है और ये एग्जिट है, बात समझाई, ठीक है। अब हम देखो वी ए से तुम्हारे पास नीचे की तरफ इधर की तरफ उतरेंगे, ठीक है, ईडी तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज जाना है, नीचे की तरफ उतरेंगे, ठीक। देखो कैसे करते हैं, वी ए प्लस तुम्हारे पास क्या, प्लस तुम्हारे पास फोर आई, ठीक है, और यहाँ पे कितना, ये तुम्हारे पास प्लस है, ये तुम्हारा माइनस है, माइनस तुम्हारे पास कितना 10, फिर तुम्हारे पास कितना आ गया
फिर आ गया प्लस थ्री आई प्लस थर्टी, तो हमने क्या लिखा प्लस तुम्हारे पास थ्री आई प्लस तुम्हारे पास थर्टी, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा प्लस टू आई माइनस फिफ्टीन, हमने लिखा तुम्हारे पास प्लस टू आई माइनस तुम्हारे पास फिफ्टीन। फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा प्लस आई प्लस ट्वेंटी, ठीक है, हमने लिखा प्लस आई प्लस तुम्हारे पास ट्वेंटी इक्वल्स टू वी ए। ये हर बार वी ए लिख क्यों रहे हो जब काटना ही है, पहले ही सवाल में लिख रहा हूँ, इसके बाद कभी नहीं लिखूंगा, इसके बाद वी ए बार बार नहीं लिखूंगा, ये तो बाय डिफॉल्ट है, उन लोगों को कटना ही कटना है, ठीक ठीक है भाई। वी ए चार तीन सात दो नौ और एक दस, प्लस तुम्हारे पास दस आई, दस और माइनस दस प्लस तीस प्लस बीस, प्लस बीस माइनस पंद्रह तुम्हारे पास कितना प्लस पाँच प्लस पच्चीस, प्लस तुम्हारे पास पच्चीस इक्वल्स टू तुम्हारे पास वी ए। वी ए वी ए कैंसिल हुआ, टेन आई की वैल्यू माइनस पच्चीस आई, और आई की वैल्यू फिर से माइनस टू पॉइंट फाइव एम्पियर आ गई। क्यों आ गई, तुमने इक्वेशन डायरेक्शन को पलटा था, तुमने क्या किया था इक्वेशन डायरेक्शन को पलटा था, चाहे इक्वेशन डायरेक्शन तुम क्लॉकवाइज मानो चाहे इक्वेशन डायरेक्शन तुम एंटी क्लॉकवाइज मानो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, आंसर तुम्हारा सेम आएगा चाहे तुम, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के दो महीने बाद फिर आते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो गलत करवा दिया आपने, ठीक, अरे गलत नहीं करवाया, मैं फिर बता रहा हूँ, इक्वेशन डायरेक्शन तुम्हारे पास चाहे आप क्लॉकवाइज ले लीजिए, इक्वेशन डायरेक्शन चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, आपकी जो आई की वैल्यू जो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी जो आ रही होगी एज पर द सिचुएशन वो वही आएगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। इसने कहा ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा ये कहता, मान लो कोई बच्चा ये कहता कि आपने इसको तुम्हारे पास पॉजिटिव लिया, ठीक है, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी दिखा दे रहा हूँ, कहीं कुछ बचना नहीं चाहिए आपके मन में, ठीक। देखो जरा ये कॉपी कर लिया हमने, अब यहाँ पे आते बात करते हैं। अब जैसे मान लो कोई बच्चा हमसे ये कहता है कि मान लो सर ये तुम्हारे पास जो डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में आपने जो है क्लॉकवाइज मान के रखा था, ठीक, आपने क्लॉकवाइज मान के रखा था, तो एक काम करते हैं पोलैरिटी वोलैरिटी सारी हटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जरा यहाँ पे ये वाले पार्ट, ये तुम्हारे पास ये आ गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास यहाँ से हटा देते हैं यहाँ पे इन लोगों को, और इन लोगों को सबको हटा देते हैं, ठीक, ये मैंने हटा दिया सबको हटा दिया, ठीक, तुम भी चले जाओ यहाँ से जाओ, ठीक, ये भी चला गया, ये भी गया, ठीक, अब इनको हटा दो, इनको यहाँ से हटा दो, इनको यहाँ से हटा दो, तुम्हारे पास इनको यहाँ से हटा दो, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया यहाँ पे ये ऐसे, ठीक, और ये तुम्हारे पास ऐसे, ये तुम्हारे पास ऐसे, और ये तुम्हारे पास ऐसे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको करंट को क्लॉकवाइज लिया और मैंने ईडी को क्लॉकवाइज और ईडी को एंटी क्लॉकवाइज करके मैंने आई की वैल्यू निकाली, जो कि मेरी दोनों बार नेगेटिव निकलनी ही थी, ये नहीं कि वो निकल गई, वो निकलनी ही थी, ये तो पक्का तय था, ठीक है, निकल गई। मुझे पहले से पता था क्या कि करंट का आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव है, नहीं मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली, मुझे पता था कैसे पता था, केसीएल से पता है, पर अभी वो नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमने केसीएल पढ़ाया नहीं, ठीक। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, मैंने आपके सामने आई को क्लॉकवाइज लेकर के ईडी को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों लेकर के आई की वैल्यू को नेगेटिव दिखा दिया, ठीक है। अब किसी बच्चे ने क्या किया, किसी बच्चे ने कहा, मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने कहा कि यार तूने क्लॉकवाइज लिया या मैंने तो एंटी क्लॉकवाइज लिया, यार अब तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, गड़बड़ क्यों होगा, ये आई हुआ, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, ये हुआ क्या पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, चेक करते रहना ना, हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव, मैं उल्टा बना दूं तो ध्यान बता देना, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैंने कहा कि आई, अब इस बार आई जो है, मैंने कहा लेट आई बी तुम्हारे पास ए सी डब्ल्यू, लेट आई बी ए सी डब्ल्यू, आई तुम्हारे पास ए सी डब्ल्यू, ठीक। अब आई ए सी डब्ल्यू है तो मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सही। अब मैंने कहा चलो ये ले लिया मैंने, ये बन गई। इसने कहा हाँ, लेट सपोज कि मैंने ये तुम्हारे पास डायरेक्शन क्या ली है, मैंने डायरेक्शन ली है तुम्हारे पास ये वाली, ये डायरेक्शन ली, ठीक है, मैंने क्लॉकवाइज ली। अब ध्यान देना, मैंने आई की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली और ईडी को मैंने क्या ले लिया, ईडी को मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, बस समझना। आई अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया, ईडी क्लॉकवाइज दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, देयर इज नो भाई बहन रिश्ता, मतलब कि नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन, ठीक है, बिटवीन तुम्हारे पास आई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड तुम्हारे पास ईडी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई और ईडी का आपस में डायरेक्शन तय करने का कोई फोन पे बात नहीं हुई है, कोई उन लोगों की फोन पे बात नहीं हो गई है कि हाँ हाँ यही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये लोग अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने का स्टार्टिंग पॉइंट लेना है,
लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा ले लें, चलो सी ले लेते हैं। सी क्यों ले लोगे, अटपटा पॉइंट क्यों? अटपटा क्या है, सर्किट में हर पॉइंट सबसे भैया सबकी इज्जत बराबर है, तो सी पॉइंट की भी इज्जत बराबर है। ठीक है चलो अब हम सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है हम सी पॉइंट से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब मैंने लिखा तुम्हारे पास क्या, अब मैं लिखूंगा क्योंकि ईडी के हिसाब से मैं अपना लूप का नाम लिखता हूँ, मैंने लूप का नाम लिखा, लूप का नाम लिखा सी, वहाँ पर डी ए बी सी। ठीक है ये मैंने अपने लूप का नाम लिखा। अब मैं करंट का दिशा एंटी क्लॉकवाइज ला चुका हूँ, ईडी मेरा कोई भी हो, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कोई भी हो, मैंने करंट की डायरेक्शन अपनी एंटी क्लॉकवाइज ला चुका हूँ, मेरा आई इस बार पॉजिटिव ही आना चाहिए और प्लस 2.5 ही आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो कॉन्सेप्ट पूरा गलत हो जाएगा भाई। ठीक है अगर वो नहीं आया तो कॉन्सेप्ट पूरा गड़बड़ा जाएगा। चलो ठीक है देखते हैं गड़बड़ाता है कि नहीं गड़बड़ाता है, देखते हैं। ठीक है अब इसने कहा ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए, हमने कहा ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं, अब हम निकालते हैं। ठीक है जरा देख लीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव मैंने जो मार्क किए हैं बिल्कुल सही मार्क किए हैं कि नहीं। ठीक है मुझे बता दीजिएगा कहीं अगर मिस्टेक की हो मैंने तो। चलो भाई अब सी से डी जाना है मेरे को, सी से डी जाना है। तो भैया एग्जिट तुम्हारे पास, एग्जिट तुम्हारे पास, एग्जिट 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 और एग्जिट चेक कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक चलो अब बनाते हैं अपने पता लग जाएगा हाँ मिस्टेक हुई है। ठीक तो वी सी माइनस तुम्हारे पास 30 और प्लस तुम्हारे पास 3i। ठीक है और प्लस तुम्हारे पास 10 और प्लस तुम्हारे पास 4i और माइनस तुम्हारे पास 20 और प्लस तुम्हारे पास i। ठीक है और तुम्हारे पास प्लस तुम्हारे पास 15 और प्लस तुम्हारे पास 2i इज इक्वल्स टू वी सी। ठीक है तो वी सी भैया माइनस 30 प्लस 10 माइनस 20 माइनस 40 और प्लस 15 माइनस 25। ठीक ये आ गया 3 और 1 4 7 और 1 8 8 और तुम्हारे पास कितना 10, ये आ गया 10i इज इक्वल्स टू हो गया वी सी कैंसिल 25 इज इक्वल्स टू 10i और i की वैल्यू कितना 2.5 एम्पियर। देखो ये बात मैंने तुमको पहले बता दी थी, बात समझ में आई। ठीक i की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ गई है। अब मैं बात को समझना, ठीक है कि चेंजिंग द सी डी फ्रॉम तुम्हारे पास क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज will change the nature of value of तुम्हारे पास करंट ऑब्टेंड। ठीक है क्या बोला इसने, इसने कहा कि अगर आप सी डी को चेंज करते हैं फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज, अब तुम कहोगे क्वेश्चन ने दे दिया ना सी डी, हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अरे हम उन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिनपे सी डी तुमको खुद चूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लूप और कैलकुलेशन करने के लिए, लूप और मैश कैलकुलेशन करने के लिए तुम खुद हमेशा चूज करोगे करंट की डायरेक्शन, तुम्हें कभी सवाल बताएगा नहीं, तुम्हें कभी सवाल नहीं बताएगा कि क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि चेंजिंग द सी डी फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज विल चेंज द नेचर ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट ऑब्टेंड। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। इसने क्या बोला, इसने कहा कि चेंजिंग द ई डी, ठीक है फ्रॉम तुम्हारे पास क्लॉकवाइज टू तुम्हारे पास ए सी डब्ल्यू, फ्रॉम ए सी डब्ल्यू टू क्लॉकवाइज, ठीक है will not change the तुम्हारे पास nature of value of तुम्हारे पास current obtained। बात समझ में आई सभी के, किसी कोने में कोई छोटी सी डाउट नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक अभी सिंगल लूप है, फिर डबल लूप आएगा, फिर ट्रिपल लूप आएगा, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज घुस जाएगा और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो ऐसी तैसी करके चला जाता है पूरे सवाल की। ठीक काफी बड़ा सवाल होता है और आपको अपनी कैलकुलेशन पे कमांड रहना चाहिए, सीधा सा फंडा ये है। ठीक है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, कैलकुलेशन में कमांड रहना चाहिए तुमको इस दौरान, वो अगर कमजोर हुआ तो फिर तुमको कुछ भी आता हो फायदा क्या, निकाल ही नहीं पाओगे। सभी लोग को क्लियर है भाई, किसी को कोई छोटी सी डाउट तो नहीं है, किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने को समझ नहीं आया। देखो सीधा सा फंडा समझो, मैंने ये चार रूल लिखे हैं, चार रूल का मतलब क्या है, मैंने कहा करंट अपने हिसाब से ले लो, ईडी अपने हिसाब से ले लो, ठीक स्टार्टिंग पॉइंट अपने हिसाब से ले लो, नंबर ऑफ लूप उस हिसाब से लेना जितने नंबर ऑफ अननोन करंट होंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे इसने ले लिए, जब इसने पहले लिया
करंट को क्लॉकवाइज, ईडी को क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग पॉइंट को ए, ठीक है, एक ही लूप लिया, एक ही अननोन करंट था, तो मेरे को आई नेगेटिव मिला, मैंने फिर सॉल्व किया, मेरे को आई फिर नेगेटिव मिला, क्यों, क्योंकि मैं एक बार ईडी को क्लॉकवाइज, ईडी को एंटी क्लॉकवाइज किया था, वो तो मिलना ही था, ईडी के चेंज होने से आई का नेचर चेंज नहीं होता, ठीक, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आई को एंटी क्लॉकवाइज और ईडी को क्लॉकवाइज लिया, ठीक है, तो मैंने ये बताया कि आई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब है कि आई का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, अगर सीडी को चेंज कर दोगे तो आई का नेचर चेंज होगा, ईडी को चेंज कर दोगे तो आई का नेचर चेंज नहीं होगा। क्लियर है भैया, किसी के मन में कोई छोटी सी डाउट कहीं किसी कोने में ना फंसी रह जाए, ठीक है, पूछ लीजिए, किसी को भी हल्का सा कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ पे, ठीक है, चलो अब इसके आगे अलग क्वेश्चन जो है वो काफी लंबा चौड़ा 30-35 मिनट का है, अगली क्लास में उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलिए मिलते हैं।